साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले तमन्ना भाटिया ने अपनी हालिया रिलीज हुई वेब सीरीज री करदा में कुछ ऐसे इंटीमेट सीन्स दिए हैं कि हर कोई हैरान है। जी हाँ, तमन्ना भाटिया जिन्होंने हाल ही में विजय वर्मा के साथ अपने रिश्ते के बाद शहर भर में कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी, खूब सुर्खियां बटोर ली। जी हाँ, हर कोई हैरान है कि आखिर तमन्ना भाटिया को एक्टर विजय वर्मा कैसे पसंद आ सकते हैं, वो तो कहीं से कहीं तक उनके लेवल के नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि विजय वर्मा एक के बाद एक दमदार किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी पहचान भी पक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तमन्ना भाटिया का नया शो जी करदा प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है। रिलीज के बाद अभिनेत्री बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी है अपने इंटीमेट सीन्स को लेकर। जी हाँ, जी करदा में सुहेल नैयर के साथ उन्होंने इंटीमेट सीन्स दिए हैं और अब उन्होंने अपनी चुप्पी भी तोड़ दी है। जी करदा में उन्होंने लावण्या का किरदार निभाया है और पूरी कहानी लावण्या के किरदार की उनके लाइफ स्टाइल के इर्द गिर्द घूमती है। लावण्या एक ऐसी महिला है जो अपने मंगेतर ऋषभ यानी कि सुहेल के साथ शादी के विचार और उसके बाद आने वाली चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल असमर्थ रहती है। न केवल उन्हें अपने आसपास के लोगों से काफी ज्यादा गलत रिएक्शंस मिलते हैं बल्कि एक्ट्रेस इन सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी रहती हैं। वेल, आपको बता दें कि इसी बीच उन्होंने इस वेब सीरीज में कई सारे इंटीमेट और लव मेकिंग सीन्स दिए हैं जिसके बाद एक्ट्रेस की इस बोल्ड रफ्तार को देखकर फैंस भी काफी ज्यादा हैरान हो गए हैं। हालांकि तमन्ना ने कहा कि भाई ये सीन्स करना काफी जरूरी था। इतना ही नहीं वेब सीरीज की डायरेक्टर अरुणिमा शर्मा ने भी उनके लिए इन सीन्स को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुहेल के साथ उन्हें ये सीन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। एक्ट्रेस ने कहा कि एक तरह का रिलेशनशिप ड्रामा है जिसमें इस तरह के सीन्स काफी मायने रखते हैं और ये झूठ नहीं है, ये सब कुछ सच है, ये असल जिंदगी में भी होता है, वही हम लोगों ने दिखाने की कोशिश भी की है। एक्ट्रेस ने इसके आगे बताया कि मैं इन सभी सीन्स को करने के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी, मुझे सुहेल ने भी काफी कंफर्टेबल किया और साथ ही निर्देशक ने भी काफी कंफर्टेबल फील करवाया। हालांकि एक्ट्रेस ने इन सीन्स को करने के बाद सोशल मीडिया पर जब ये सारी बातें कही तो लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कई बार तो लोगों ने कहा कि भाई तमन्ना को इन सीन्स को करने के बाद रिग्रेट होना चाहिए, लेकिन तमन्ना अपनी इन सीन्स पर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पहली बार इस तरह की वेब सीरीज में काम किया है और अपनी सालों पुरानी नो किसिंग पॉलिसी को तोड़ा है। आप कमेंट करके बताइए कि तमन्ना को आखिर कैसा फील करना चाहिए, प्राउड या फिर रिग्रेटिंग।